हेलो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने। यह पिज़्ज़ा की रेसिपी है। मैंने 2 कप जो है मैदा लिया है और 2 कप दही लिया है। 2 कप मैदा, 2 कप दही लिया है और जो है स्वाद अनुसार नमक लिया मैंने। आपको जैसे पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें नमक डालिए। और जो है बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग सोडा है ये 2 चम्मच, जिससे आटा फूल जाएगा अच्छी तरह। और फूल जाएगा तो अच्छा जो है कि पिज़्ज़ा रोटी बनेगा। और आप दही में ही इसपे को जो है आटे को गूंथिए, पानी नहीं डालिए इसमें। देखिए गूंथ गया है आटा। और आप अभी इसमें थोड़ा सा जो है मीठा तेल डाल के 2 मिनट मलिए। मल के फिर उसके बाद जो है कि आप इसको मलिए, इसको मीठा तेल डाल के 2 मिनट। फिर इसके बाद आप थाली से इसको ढक दीजिए। तब तक जो है ये काट लीजिए। आप प्याज है ये, और जो है कि ये बारीक प्याज है, वो मोटी है। और ये हरा शिमला मिर्च वो है टमाटर। ये आटा गूंथ गया है, ये लोई लीजिए आप आटे का। ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए ना ज़्यादा छोटा, मोटी रोटी जैसा आप जो है कि बनाइए अच्छे से। आप दो मसल के फिर इसके बाद आप बनाइए ताकि फटे ना आरी आरी से, एकदम बराबर होना चाहिए। आप इसमें जो है कि आटा थोड़ा सूखा लगा लेंगी, सूखा आटा आप लगा के ताकि ये चिपके ना चौकी पे। अगर एक बार लगाने से अब ये चिपकता है तो आप हल्का दोबारा भी लगा सकती हैं। वैसे तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर चिपक जाए तो आप जो है दोबारा इसको जो है कि लगा सकती हैं आटा, चाहे मकई का हो और चाहे जो है कि गेहूं का। और आप इसको चारों तरफ जो है अच्छे से इसको बेलिए। मोटा और पतला नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर का होना चाहिए। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, मीडियम पे चाहिए। जैसे मोटी रोटी होती है उसी हिसाब से आप इसको जो है कि बेलिए। दही में ही सानिए इसको, पानी से नहीं। अभी देखिए जो है कि हमारा पिज़्ज़ा रोटी जो है तैयार हो गया है, अभी तैयार हो गया है। और इसको अभी हम जो है कांटा वाले चम्मच से इसको हम होल करेंगे, काटा वाले चम्मच से होल करेंगे। और ये ताकि फूले ना, होल करने से रोटी फूलेगी नहीं। ये जो पिज़्ज़ा रोटी है अच्छे से आप इसको कहीं छोड़िएगा मत, अच्छे से होल करिए, नहीं तो ये अगर नहीं करेंगे तो फूल जाएगा। अभी ये मैंने कढ़ाई रखा है और इसमें मैं 2 कप जो है कि नमक डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ 2 कप नमक डाल दिया मैंने इसमें 2 कप। और जो है इसमें अभी मैं एक जो है कि बराबर करके चारों तरफ नमक, और एक कटोरी इसमें रखेंगे आप। कटोरी के जो ऊपर है, कटोरी के ऊपर पिज़्ज़ा रखेंगे ये प्लेट में। और इसमें चारों तरफ तेल लगा दीजिए आप नीचे, जिसमें पिज़्ज़ा रोटी रखेंगी। देखिए मैंने पिज़्ज़ा रोटी रखा है और उसमें नमक है। और नमक 2 कटोरी रखने के बाद, 2 इसके बाद कटोरी उसमें आप पेनी ऊपर करके आप इसमें रखिए पिज़्ज़ा को ऊपर। और पिज़्ज़ा को आप ये ढक के ही बनाइएगा। ये पिज़्ज़ा सॉस है, आपको अगर तीखा चाहिए थोड़ा ज़्यादा डालिए। और मिर्ची का पाउडर भी डाल दीजिए लाल, अगर तीखा नहीं चाहिए मीडियम में तो यही जो है कि पिज़्ज़ा सॉस ही ठीक है। आप अच्छे से इसको चारों तरफ लगा दीजिए ताकि बाहर ना निकले, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसमें अभी मैंने मोजरेला चीज़ डाला है, इसको ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगता है खाने में। और अभी ये शिमला मिर्च है, पतला पतला आप काटिए।
मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाप से होगा नहीं। ऐसे पतला पतला काटेंगी तो ये बाप से हो जाएगा। देखिए रख लिया मैंने कि शिमला मिर्च और प्याज मैंने रखा है पतला पतला, और ये टमाटर है पका हुआ पतला काट के, टमाटर भी मैंने रख दिया। और अभी इसके इसके ऊपर मैंने ये जो है कि इसके ऊपर मैं अब वो चीज़ डालूँगी क्रश करके, जो भाजी में पड़ता है पाव भाजी के साथ जो पाव में लगता है वो जो इसके ऊपर डालूँगी। अब मजरेले चीज़ भी डालूँगी, ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगता है, कम रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने इसको कढ़ाई में रख दिया है, कढ़ाई में रख के इसको मैं अभी थाली से देखो ढक देती हूँ। अरे देखो पिज़्ज़ा बन के तैयार है, और आप खाइए और हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।